नमस्ते उपस्थित हो एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आप लोगों को HDFC बैंक का डिपॉजिट स्लिप अर्थात पैसे जमा करने का फॉर्म आप कैसे भरेंगे उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इस फॉर्म के राइट साइड में चलते हैं तो लिखा हुआ है डिपॉजिट स्लिप, और यहाँ पर आपको डेट डालना है। जिस भी डेट को आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं वो डेट डालेंगे, यानी कि जब भी आप पैसे जमा करेंगे वो डेट डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक डेट डाल दिया। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अकाउंट नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर। यानी कि आप जो पैसे जमा करने जा रहे हैं उनका अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे या क्रेडिट कार्ड नंबर लिखेंगे, यानी कि किनके अकाउंट में आपको पैसे जमा करना है उनके अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं अकाउंट नंबर इसमें डाल दे रहा हूँ, एक अकाउंट नंबर जिस अकाउंट में मुझे पैसे भेजने हैं वो अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको उसको अकाउंट नंबर डाल देना है। अब क्या करना है मुझे, जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखेंगे यहाँ पर, वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है पैन नंबर, तो अगर आप 50,000 से ज़्यादा पैसे निकालते हैं तब आपको यहाँ पर पैन नंबर देने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर में आपको कुछ नहीं डालना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर कुछ दूसरा ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है अदरवाइज कि लोन अकाउंट नंबर, यानी कि अगर आपको किसी दूसरे के अकाउंट में अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करना है तब आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है, अदरवाइज आप इसको यहाँ छोड़ेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि बैंक या ब्रांच शाखा, यानी कि अगर आप, और चेक नंबर, यानी कि अगर आप चेक से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो पांच ऑप्शन दिया हुआ है, लोन अकाउंट नंबर से, कैश से, लोकल चेक से या बाय चेक से। तो आप किस माध्यम से पैसे भेजना चाहते हैं, कैश से भेजेंगे तो कैश में टिक करेंगे, लोन अकाउंट से यानी कि आप अपने अकाउंट से भेजेंगे तो लोन अकाउंट में चेक करेंगे, या आप चेक से भेजेंगे तो चेक में टिक करेंगे। तो ये जो कॉल्यूम बना हुआ है ये चेक के लिए बना हुआ है। तो मान लीजिए अगर आप चेक से पैसा भेजना चाहते हैं तो जिस भी ब्रांच का आपका चेक है उसका नाम लिखेंगे, उस बैंक का नाम लिखेंगे, तो इस कॉलम को भरेंगे। अगर आप कैश के माध्यम से अगर आप पैसे भेजना चाह रहे हैं, तो जैसे कि मैं 5,000 रुपये भेजने जा रहा हूँ, तो 2,000 के मेरे पास दो नोट हैं, तो यहाँ नोटों की संख्या लिखेंगे, तो इस हिसाब से 4,000 रुपये हो जा रहा है, मैं कैश में भेज रहा हूँ, और 500 के दो नोट हैं तो इस हिसाब से 1,000 रुपये हो जाएगा, तो 5,000 रुपये हुआ। इसको जोड़ के आपको नीचे 5,000 रुपये लिख देना है, यहाँ पर 5,000 रुपये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये इतना लिख देना है। और अगर आप चेक से पैसा भेजने जा रहे हैं तो फिर इस कॉलम को भरेंगे, तब इस कॉलम को भरेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप सीधा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बैंक और शाखा का नाम, उनका जो बैंक है कि कौन सा बैंक है, तो उनका जो बैंक है वो है HDFC का ही, तो HDFC का बैंक लिख देता हूँ, और उनका जो शाखा है वो है निर्मली, तो मैं निर्मली का शाखा का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है रुपया शब्दों में, तो शब्दों में भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5,000 रुपये मात्र। ठीक है, अब कह रहा है जमाकर्ता का नाम, तो जो भी व्यक्ति जमा करने गया है वो अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, तो मैं अपना नाम फिलहाल लिख दे रहा हूँ, और उनका हस्ताक्षर कर रहा है तो हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पहला वाला कॉल्यूम है कुछ इस तरह से आप भर सकते हैं। ठीक है, अब जब दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में चलेंगे तो पुनः आपको सेम टू सेम उतना ही भरना है, जो डेट दिया हुआ है वो डेट आप पुनः भरेंगे, वही डेट 2023 भरेंगे। उसके बाद वो अकाउंट नंबर लिखेंगे जो अकाउंट नंबर में आप पैसे भेजने जा रहे हैं, वो अकाउंट नंबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड नंबर में आपको कुछ नहीं करना है। फिर लोन अकाउंट नंबर में अगर आप चाहते हैं कि मेरे अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो तब तो आप इसमें टिक करेंगे, तब इसमें आप अकाउंट नंबर लिखेंगे अपना वाला, अदरवाइज इसको छोड़ेंगे। पुनः आपको HDFC जो पैसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एक बैंक का नाम लिखेंगे, और उसके बाद बैंक का नाम लिखेंगे, तो उसके बाद निर्मली जो आपका है वो लिखेंगे, या चेक का विवरण अगर आप चेक से पैसे भेजना चाह रहे हैं तो चेक का नाम लिखेंगे, और रुपीज़ आप कितने पैसे भेजे जा रहे हैं वो आप पूरा यहाँ पर लिखेंगे। 5,000 रुपये भेज रहे हैं कैश के माध्यम से, तो यहाँ पर पुनः 5,000 रुपये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रुपीज इन वर्ड लिखा हुआ है तो आप पुनः फिर यहाँ पर 5,000 रुपये लिखेंगे, 5,000 रुपये मात्र, और पुनः वही सिग्नेचर जो आपका नाम है, नाम लिखेंगे पहले, उसके बाद सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर आप छोड़ देंगे, यहाँ पर आपको नहीं सिग्नेचर करना है, तो कुछ इस तरह से भरेंगे। एक बात आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसमें जो चेक नंबर है, अगर आप चेक से पैसा किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तब इसमें आप चेक लगाएंगे और चेक का विवरण डालेंगे, अदरवाइज इसको आप छोड़ेंगे। तो इस तरह से जो HDFC का डिपॉजिट स्लिप है उसको आप भरेंगे। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।